सतेंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं अपने हाथों से, उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में दो साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूँ, और इसके बाद एसीबी सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सतेंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सतेंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का? आज दुख के साथ लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको, और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। कि कपिल मिश्रा कल तक आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और आज अभी सदस्य हैं, उनको निकाला नहीं गया। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। उनके दो आरोप हैं। पहला आरोप ये है कि उन्होंने दूसरे मंत्री सतेंद्र जैन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपया देते देखा और खुद अपनी आंखों से देखा। और दूसरा उनका आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सगे रिश्तेदार के लिए सतेंद्र जैन ने 50 करोड़ की एक डील करवाई दी। तो ये दोनों आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो मैं समझता हूं इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, और नहीं तो केंद्र सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने गंभीर आरोप हैं ये जो कि उन्होंने उपराज्यपाल और कहा है कि एंटी करप्शन ब्रांच को भी वो दे रहे हैं। And demanding a probe into the allegations against Arvind Kejriwal, senior BJP leader, he's the leader of opposition in the Delhi Assembly, Vijayendra Gupta has said, following Kapil Mishra's allegations, Arvind Kejriwal has been fully exposed. तमाम मामलों में जब ये बताया गया कि ये 4-5 लोग आपके करीब हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी हर बार चुप लगा रहे थे, यानी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी और नेताओं का विश्वास तोड़ा है। इस पूरे मामले में वो बेनकाब हो गए हैं, ये पार्टी पूरी बेनकाब हो गई है, और हम चाहते हैं इसकी जांच हो पूरे मामले की और कार्रवाई हो। And BJP National Vice President and Delhi in charge Sham Jaju said that Kapil Mishra's expose has exposed the real face of the Aam Aadmi Party. केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने लेके आ रहे, चोर चोर मौसेरे भाई, इस प्रकार का ये व्यवहार है। इतने दिन साथ में रह के जिस प्रकार का इन्होंने कारोबार किया है, अब लोगों के दिमाग में, पब्लिक डोमेन में ये सब बातें आ गई है। इनको एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार और 0% टॉलरेंस वाली बातें करने वाले केजरीवाल जी को 1% एक मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। And a similar demand has also been raised by the Congress. Listen in to Congress leader Shakil Ahmed. हम समझते हैं कि अब सही समय आया है जब अपने घर के लोगों ने, आज भी कपिल मिश्रा एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी के रात तक मंत्री थे, कल जब उन्होंने सब साक्ष्य देने की बात की पदाधिकारियों के पास, तब उनको हटाया गया मंत्रिमंडल से। और जो अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो बहुत सबसे निकट के नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री या और मंत्री के पद पर हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं और सबकी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी को निष्पक्ष जांच को ध्यान में रखते हुए मोरल ग्राउंड पे अलग हो जाना चाहिए अपने पद से।